हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सो अभी बजा है 12 बजा है और मैं सोई थी 11 बजे काम ख़त्म करके, और ब्रेकफास्ट करने के बाद सोई थी। सो तबीयत ठीक नहीं है, पीरियड का थर्ड डे है। सो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, पैर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। सो पेट में इतना नहीं होता है, पेट में फर्स्ट डे ही होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, नहीं पेट में ज़्यादा नहीं हो रहा है, पैर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी नहीं, पेट में 2 दिन मतलब सेकेंड डे थर्ड डे तक दर्द होता है, लेकिन इस बार नहीं, फर्स्ट डे ही दर्द था, लेकिन सेकेंड डे से पेट में दर्द नहीं है, पैर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। सो स्कूल गई थी छोड़ने के लिए, कल भी गई थी, आज भी गई थी। सो इस वजह से और भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब चलना 2 दिन से चल रही हूँ, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा जाना आना, फिर घर का काम होता है, सब कुछ करना पड़ता है। सो इस वजह से नहीं, ज़्यादा पैर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो खाना बनाना है और क्या बनाऊँ, तो उठने का तो मन नहीं है, फिर भी खाना बनाना पड़ेगा। सो 12 बज चुका है, तो उठ के खाना बनाना है। क्या बनाऊँगी, चलिए देखते हैं क्या बनाऊँगी। और कभी कभी नहीं, मुझे पीरियड टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग जिस बार होता है, तो उस बार ही पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैर में बहुत ही ज़्यादा है। सो सब्जी कट कर रही हूँ, आज है ट्यूसडे, और नॉनवेज नहीं बनाऊँगी, सिंपल कुछ बनाऊँगी, तबीयत ठीक नहीं है, तो सिंपल सा कुछ बनाऊँगी। सोच रही हूँ दाल बना दूँ, और कुंदरू है वो का फ्राई करूँगी। यहाँ पे देखिए करेला है, तो एक ही करेला फ्राई करूँगी, ज़्यादा करेला पसंद नहीं होता है, प्याज डाल के फ्राई करूँगी। सो और सिंपल सा एक दाल बनाऊँगी, मसूर की दाल बॉयल्ड बनाऊँगी। सो वही है आज का लंच मेन्यू, जल्दी जल्दी बना देंगे। ऑलरेडी 12 बज चुका है, 12 से ज़्यादा हो गया है, सो इसलिए सिंपल कुछ बनाऊंगी, और तबीयत ठीक नहीं है, मतलब जो इजी होता है वही बनाऊंगी। और हस्बैंड आ जाएंगे कितने, 1:30-1:30 बजे के बाद ही आ जाएंगे, तो जब तक आके फ्रेश हो जाएंगे तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। और धूप है, कपड़े धोई थी यस्टरडे शाम में धोई थी, और शाम से ही पूरा रात बारिश हुआ, मैं कपड़े डाली नहीं, फिर मॉर्निंग जाके डाल के आई हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा धूप है, सूख ही जाएगा और फिर शाम में बारिश आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा धूप होता है, कभी कभी अच्छे से धूप होता है, लेकिन शाम से बारिश शुरू होता है, और बारिश नहीं फुल नाइट बारिश होता है, मतलब मॉर्निंग 5 o'clock तक होता है, मतलब इतना ज़्यादा फुल नाइट बारिश होता है। सो और क्या है ना, बारिश की वजह से नहीं, एक क्या है, डेली मतलब टाइमिंग होता है कि ऐसे टाइम पे हमको कपड़े धोना है और ऐसे टाइम पे डालना है, तो इस हिसाब से कपड़े धोना पड़ता है। आप वेट नहीं कर सकते कि मॉर्निंग छोड़ो टाइम नहीं है तो मतलब क्या शाम को धो देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको मॉर्निंग जो भी काम हो लेकिन कपड़े धो के डालना पड़ेगा, नहीं तो शाम में धोएंगे तो पूरा रात कपड़े शाम तक भीगे, मतलब शाम से रात पूरा रात भीगेगा तो वो कपड़े भी अच्छा नहीं होता है, स्मेल आ जाता है। सो इसलिए अभी ऐसे ही करना पड़ रहा है मॉर्निंग। कल क्या है नहीं, थोड़ा मुझे मॉर्निंग टाइम नहीं था तो मॉर्निंग नहीं धोई थी, शाम में धो दिया था, नहीं तो मैं अभी मॉर्निंग जितना हो सकता है धो देती हूँ। सो गाइस, मेरा खाना बन चुका है और मैं बैठी हूँ, खाना लिख के बैठी हूँ, खाना खाना है, भूख लगी है। सो यहाँ पे बॉइल्ड दाल है जिसमें प्याज और सरसों का तेल नमक मिक्स करके राइस के साथ खाना है, और ये रहा करेला, साइड में करेला और प्याज एक साथ फ्राई, और इधर कुंदरू फ्राई, और ये रोटी है यहाँ पे मैं खाऊंगी, अभी बनाई हूँ रोटी। आटा बचा हुआ था कल का, सो ज़्यादा दिन रखेंगे तो अच्छा नहीं होता है और काला काला हो जाता है, सो इस वजह से अभी बना लिया है, और रात में तो नहीं खाऊंगी इसलिए अभी बना के खा लूँगी। और हाँ, और एक चीज़ गर्म हो रहा है, सो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या गर्म हो रहा है। सो गाइस, ये रहा देखिए,
चिकन। सो मेरा लास्ट वाला ब्लॉग में मैंने चिकन बनाया था, आपको पता है, और वही चिकन है। सैटरडे बनाया था तो संडे को नहीं खाना था क्योंकि हम लोगों का कुछ पूजा था, फेस्टिवल था। सो संडे नहीं खाए और मंडे को पता है आप लोग हम लोग नहीं खाते हैं शाकाहारी। तो आज है ट्यूसडे, इस वजह से आज खा लेंगे और फिर थर्सडे आएगा और इसको ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है। सो अच्छे से गर्म कर रही हूँ, इसको भी ख़त्म करना है और भूख लगी है, खाना खाती हूँ और आप लोग के साथ खाने रही है, देखती रही हूँ। सो गाइस, खाना खा लिया है हम और मैं अभी बना रही हूँ दही का चास बना रही हूँ। दही नहीं, ज़्यादा दिन फ्रिज में रखते तो ख़राब हो जाता है, खट्टा खट्टा ज़्यादा हो जाता है, स्मेल भी आ जाता है। सो इतना दही लिया है मैंने, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालूँगी, पतला पूरा बनाऊँगी क्योंकि पतला पतला छास पीने में अच्छा लगता है। नमक डाला है और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी, और पीछे कुटुस को देखिए कैसे चिल्ला रहा है। ये नहीं, खाने के बाद आ गया है अभी, देखिए। क्यों खाने के बाद आया तू? देखिए बेटी, सो उसको भूख लगी है, पता नहीं क्या अभी आया है, हम खा चुके थे तो उसके बाद आया है वो। अभी क्या करे, सिद्धू आएगा अभी और अगर रो रहता है तो सिद्धू के साथ खाना खा लेगा, मैंने बोला है उसे। देखिए इसको अच्छे से घोलूंगी ऐसे, अभी नहीं पीना है, थोड़ी देर के बाद पीएंगे। सो गाइस, मैं थोड़ी देर लेट थी, अभी बजा है 3 बज चुका है, मेरे हस्बैंड गए हैं सिद्धू को लेने के लिए। और यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या कर रहा है कुटुस? कुटुस क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ जाता है ऐसे खिड़की पे। सो गाइस, आज का मेरा जो टॉपिक है पीरियड को लेके, सो कोई कोई सोचेंगे ब्लॉग देख के कि कैसे बोल सकता है, ये थोड़ा सा छुपाने वाली बात है ना, लेकिन मेरे लिए ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हर एक लेडी के लिए गर्व की बात है ये बात। तो मुझे नहीं लगता ये कोई शर्म की बात है या छुपाने वाली बात है, सो हम लेडीज़ के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है ये, दर्द करना चाहिए। तो मेरा जो भी था मैंने आप लोगों से शेयर किया, कैसा किया। सो गाइस, ये सब नहीं, पुराने ज़माने के लोग सोचते थे, अभी भी कोई कोई है ऐसे सोचते हैं, छुपाना है, बोलना नहीं है, ऐसा ऐसा सब, लेकिन अभी ज़माना चेंज हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बेफिक्र बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, कुछ आपका हिसाब से आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, छुपाने वाली बात नहीं कुछ नहीं। सो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा था जरूर कमेंट करना, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और लाइक शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो आज के लिए इतना ही चाहता, बाय बाय।